अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी हमारी है वो है लौकी गोश्त की। तो आप इसी आसान टिप्स को फॉलो करके बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए लौकी। तो यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की मैंने लौकी ली है, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया की पत्ती और दो बड़ी साइज़ के प्याज आपको चॉप कर लेना है। उसके बाद एक टमाटर, उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे मटन। अब मसाले में क्या क्या लेना है आपको? मसाले में लेना है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी, उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। कुछ खड़े मसाले लेने हैं। अब ऑयल को हमको हाई फ्लेम पे हीट कर लेना है, अच्छी तरह से गरम कर लेना है। गरम होने के बाद अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसालों को अच्छी तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो प्याज कट करके रखा था तो प्याज को हमें ऐड कर देना है, और ज़्यादा नहीं, हल्का ब्राउन होने तक हमें प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। मटन के पीसेस को छोटा करके ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था मटन। मटन ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, जिससे जो मटन का पानी रिलीज़ होगा वो अच्छी तरह से हमें उसको भूज लेना है। उसके बाद जो अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। एक बड़ी साइज़ की टमाटर ऐड कर दें। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब सभी को हमें बहुत अच्छी तरह से भूजना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपको इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। उसके बाद पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा पानी ऐड करके 3 से 4 सीटी आने तक गैस को ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पे एक बार हम गोश्त को चेक कर लेंगे। गोश्त तकरीबन 50% जैसा कुक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लौकी। गोश्त को हमें अच्छी तरह से गला लेना है, उसके बाद ही लौकी को ऐड करें, क्योंकि लौकी ऐड करने के बाद 1-2 सीटी में लौकी तुरंत ही गल जाएगा। तो इसलिए आप पहले गोश्त को अच्छी तरह से गला लें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटन मसाला। अब अच्छी तरह से कुकर को कवर लगा दें। अब 2 सीटी आने पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, और देख सकते हैं कि बहुत ही इजी रेसिपी है। और बहुत ही इजी टिप्स और ट्रिक यूज़ करके आप भी ये रेसिपी ज़रूर बना सकते हैं। बहुत ही अमीर